हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ आशी। आज हम बनाएंगे मफिन्स की सबसे आसान रेसिपी। ये मफिन्स हम पैन में बनाएंगे और इसे बनाने में सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आज की चॉकलेट मफिन्स की रेसिपी शुरू करते हैं। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। न्यू रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें, उससे आपको मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। मफिन्स बनाने के लिए यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे। पैन आप इसी तरह का लें जिसमें आपके मफिन्स अच्छे से बेक हो जाएं। तो यहाँ पे हम पैन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। तो गैस को हाई कर दें और यहाँ पे हम प्रीहीट होने के लिए इसे छोड़ देते हैं। फिर हम यहाँ पे ये मफिन वाले मोल्ड्स तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये एल्युमिनियम के मोल्ड्स लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे स्टील की छोटी कटोरी भी ले सकते हैं, उसमें भी आपके मफिन्स अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसे हम अच्छे से ग्रीस कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑयल से इसे अच्छे से ग्रीस कर दिया है। ऑयल लगाने के बाद आप चाहें तो इसमें हल्का सा मैदा भी छिड़क सकते हैं, उससे क्या होगा आपके मफिन्स आसानी से बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसे बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो मैंने सिर्फ इसे तेल से ही ग्रीस कर दिया है। और यहाँ पे हमारे मोल्ड्स बिल्कुल तैयार हैं। फिर हम यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसमें ये बिस्किट डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर का हाइड एंड सीक लिया है। आप चॉकलेट फ्लेवर का कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। 120 ग्राम का हम यहाँ पे बिस्किट का पैकेट यूज़ कर रहे हैं। पैकेट खोल के सारे बिस्किट इसके ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने हाइड एंड सीक बिस्किट लिया है। आप चाहें तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। हाइड एंड सीक बिस्किट से मफिन्स बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट जो है डाल दिए हैं इसमें। फिर हम इसमें दूध भी डाल देंगे। तो यहाँ पे एक कप दूध डाल दें इसमें। दूध हम यहाँ पे पका हुआ लेकिन रूम टेम्परेचर पे ही लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कप दूध डाल दिया है। बैटर हमें यहाँ पे पतला बनाना है। फिर हम इसमें ये इनो डाल देंगे। तो एक छोटा चम्मच या फिर ये एक सैचेट इनो डाल दें। इनो का इसमें ब्लू या ग्रीन सैचेट ही यूज़ करें। तो यहाँ पे ये पैकेट हम पूरा डाल देते हैं इसमें। इनो की जगह पे आप चाहें तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, इतनी ही मात्रा में। तो यहाँ पे हमने इनो को डाल दिया है, दूध भी इसमें डाला हुआ है। तो इसका ढक्कन हम बंद करेंगे और इसे फटाफट से ब्लेंड कर लेंगे। इसे आप बिल्कुल भी ना रखें। तो इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लेंडिंग जार को जब तक चलाएंगे जब तक कि इसका स्मूथ सा बैटर नहीं बन जाता। तो यहाँ पे इसका स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लें। और यहाँ पे बिस्किट वगैरह सब अच्छे से इसमें घुल गया है। फिर हम ये जो बैटर है सीधा इस मोल्ड में डाल देंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। तो ये जो बैटर है आप इस तरह से मोल्ड में डाल दें और आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली है। तो इसी कंसिस्टेंसी का हमें ये बैटर रखना है। इससे आपके मफिन्स काफ़ी सारे बन जाएंगे कम बिस्किट में भी। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं हमने इसे कितना भरा है। हमें इसे पूरा नहीं भरना है, 3/4 कप इसे भरना है। तो यहाँ पे हमारे मफिन्स बिल्कुल तैयार हैं बेक करने के लिए। और पैन भी हमारा यहाँ पे प्रीहीट हो गया है। पैन का ढक्कन हटाएंगे और इसमें सेट करते हुए अपने मफिन्स मोल्ड रख देंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से सेट करते हुए रखें। तो हल्का हल्का सा इनमें गैप रखें ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो यहाँ पे इसी तरह से हम सेट करते हुए सारे मफिन्स मोल्ड रख देंगे। मैंने इन मफिन्स में चीनी नहीं यूज़ की है, लेकिन अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं ज़्यादा तो आप डाल भी सकते हैं इसमें। लेकिन बिस्किट भी मीठा होता है तो उस वजह से चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका ढक्कन हम बंद कर देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे इसे बेक होने में। और फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे बेक कर लेंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे टोटल 10 मिनट हो गए हैं। गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसे 5 मिनट के लिए हम पैन में ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से इसे पैन में ही रहने दें, इसे बाहर ना निकालें। और यहाँ पे 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इसे पैन में से निकाल के बाहर रख लें और आप इसे पहले चेक कर लें। और यहाँ पे टूथपिक क्लीन निकली है। मफिन्स अच्छे से बेक हो गए हैं और ये बेक होने के बाद आप इसे अपने पसंद से सर्व करें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही चॉकलेट सिरप लगा रही हूँ, इससे ये खाने में और दिखने में अच्छा लगेगा। तो चॉकलेट सिरप या फिर आप इसे प्लेन भी खा सकते हैं। तो इस पे हम ये स्प्रिंकल कर देते हैं, कलरफुल स्प्रिंकल्स। और बच्चों की पार्टी हो या बच्चों के लिए हमें अगर ये बनाना हो तो बच्चों को तो ये काफ़ी पसंद आते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही फटाफट बनने वाली मफिन्स की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।